पूर्व में बलात्कार के आरोपियों ने मुकदमे में अहम भूमिका निभाने वाली महिला को ही रास्ते से हटाकर एक और भयानक जुर्म कर डाला। पूरा हत्याकांड जनपद कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के कलेनापुर नहर बम्बे का है, जहां पर करीब 35 वर्षीय महिला का शव छत विछत हालत में मिला। सूचना पर पहुंची डेरापुर थाना पुलिस ने शव की शिनाख्त उसके पति अमित संखवार द्वारा की गई है। मृतका मंगलपुर थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव निवासी है, जो 3 दिनों से लापता थी। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी व अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया को मृतका के पति गांव के ही द्वारा आधा दर्जन लोगों की रंजिश का लेकर हत्या आदि किए जाने का आरोप लगाया है। जबकि आरोपियों में से अलियापुर गांव निवासी एक आरोपी द्वारा खुद ही मंगलपुर थाना क्षेत्र पहुंचने की बात सामने आ रही है। बीपीए न्यूज के लिए कानपुर देहात से शिवम गौतम की रिपोर्ट। सर, सिकंदरा तहसील क्षेत्र के सर कलेनापुर गांव में सर जो आज जो महिला की हत्या की गई है, सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थाना डेरापुर क्षेत्र के कलेनापुर गांव में खेत में एक महिला की डेड बॉडी मिली और उसकी हत्या करके यहां शव को डाला गया है। जो महिला के पति हैं उन्होंने पुरानी रंजिश में घटना का जुर्माना बताया है और 6 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है। इस सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर वही सर सूचना सर आ रही है, सर एक को सर गिरफ्तार भी कर लिया गया आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है जी। अन्य जो आरोपी हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक सर। नाम अमित कुमार, कलेनापुर क्षेत्र के नहर किनारे जो बाजरे खेत में जो सब मिला है ये किसका है? ये हमारी पत्नी का है। जी कैसे? ये हमारी पत्नी का ऐसे है कि एक गुरु नाम का लड़का है जी, इसने 2 तारीख को घर से उसको 1:30 बजे के लगभग बुलवाया था जी, सिकंदरा चलना है, तो उसके कहने से ये सिकंदरा गई जी। ठीक है, और ये फ्रॉड लड़का है और इसके कहने से सिकंदरा भी, इस गुरु नाम का लड़का जो है इसने हमारी पत्नी को कमलेश और ये नरेंद्र सिंह और श्री बाबू जी और राहुल इन लोगों को हमारी पत्नी को उनके हवाले करके घर भागाया था। मैंने उससे शाम को पूछा, हमने कि तुम चाची कहाँ ढीला है, तो बोला कि मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई है और बात नहीं हुई है, तो ये बोला कि तो मैंने फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, जब से इसका कोई लापता है ये। कब से लापता है? 2 तारीख से है जी, 2 तारीख से लापता है। फिर मैं इसकी सूचना आपने कहाँ की थी? मैंने पहले नंबर सूचना गया थाने से चौकी आया जी, मैंने दोनों जगह सूचना दी और ना थाने से भी कोई आया जी और ना चौकी से आया, 100 नंबर आई थी बस। क्या माना गया आपकी पत्नी हत्या की गई है? हत्या की गई है। कितने लोगों की? हमारी बेटी के साथ में जिन लोगों के नाम है इनके लड़कों ने बलात्कार किया था, उसी रंजिश की वजह से हमारी पत्नी की हत्या की। ठीक।